एक मिनट रुको, मैंने ये जगह पहले नहीं देखी। खाना बना रहा है। तुम यहाँ ग्रिल नहीं कर सकते, समझे? लेकिन बबलो, बबलो, ये कभी नहीं सुधर सकता। कितनी अच्छी खुशबू है। इसको होना चाहिए क्योंकि ये दुनिया का स्वादिष्ट बारबेक्यू है। मुझे थोड़ी काली मिर्च चाहिए। लखा, क्या? मुझे तो लगता था कि तुम एक टूर गाइड हो, तो ये बारबेक्यू यहाँ कैसे आया? इससे आग भी लग सकती है। ये मेरे टूर गाइड बिजनेस का नया तरीका है, बारबेक्यू कबाब। टूरिस्ट फ्री का खाना नहीं मना कर सकते। शांत हो जाओ, मैं सुरक्षा का बहुत ध्यान रखता हूँ। ये धुआं हवा और जंगल को प्रदूषित कर रहा है और इसके लिए तुम्हें फॉरेस्ट पुलिस भी पकड़ सकती है। मैं जंगल की पुलिस से नहीं डरता। बस करो दोस्तों, तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं। मेरे ग्राहक आ रहे हैं, इसलिए तुम चले जाओ, चलते बनो, समझे? गुस्सा करेगा अगर तुम पैसे बर्बाद करोगे। बाबी क्यों पसंद है तुम्हें? चले जाओ, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पर अगर उसे रोकने की कोशिश की तो पर्यटक डरेंगे नहीं क्या? मैं कुछ सोचना होगा। सही है, स्वादिष्ट कबाब, मजे लो। शुक्रिया, ये लो तुम्हारे पैसे। शुक्रिया आपका, ये तो बहुत अच्छा है। मेरे दोस्त के बारे में बताओ, यहाँ का खाना। अरे नहीं, जंगल के गश्त है, मुझे कुछ करना होगा। ये सब क्या चल रहा है? वैसे कैसे हैं? इस छोटे से इलाके में आपका स्वागत है। यहाँ पर लोग अपना दुख दर्द भूल कर आराम करते हैं और मजा लेते हैं बबलू डब्लू पार्क के सबसे खूबसूरत नजारे का। पर मुझे यहाँ खाने की खुशबू क्यों आ रही है? क्या नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, ये तो बस हवा की खुशबू है। ये तो शांत इलाका है, यहाँ कोई बारबेक्यू नहीं है। मुझे कृपया धैर्य रखिए, मतलब क्या बोला? उन्हें बस चाय चाहिए थी, ये लीजिए। जंगल में आग जलाना मना है, ये कोई मजाक नहीं है। मेरी नजर तुम पे रहेगी। तुम सुबह से सोच रहे हो पर अभी तक तुम्हें कोई प्लान सूझा ही नहीं है। ये क्या है? खाने वाला कांटा और भी है, हर जगह है। यहाँ पे बहुत है। अरे नहीं, और भी। यार इतना कचरा क्यों है? बबलू डब्लू, सिर्फ एक दिन हुआ है और यहाँ पर हर तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ है। बबलू डब्लू, वो लखा, अरे क्या हुआ? अभी भी ग्रिल कर रहा है। ये नया कौआ कौन है? क्या तुम जंगल में नए हो? गुल्लू, बस अब बहुत हुआ, हमें उसे सबक सिखाना होगा। गुल्लू, तुम्हें आराम करना चाहिए। बल्लू, लक्का की बारबेक्यू तुम्हारे लिए बढ़िया है। डब्लू, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। मेरा नया धंधा तो आग लगा देगा। क्या हुआ? ये तो गीला है पर बारिश तो नहीं हुई। बढ़िया किया। मेरा सोडा कहाँ है? अभी लाया सर। अरे नहीं, अब हम क्या करें? बस अब बहुत हुआ। अरे मेरा खाना क्या तैयार है क्या? हाँ मैं आ रहा हूँ, और देरी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। कहाँ चला गया मेरा पंखा? कहाँ है वो भालू? अभी मजा चखाता हूँ। तो आज के सारे खाने की चीजें यहाँ सुरक्षित रहेंगी। स्वादिष्ट रुको। तो जैसा मुझे शक था। डब्लू भागो, यहाँ से बाहर जाओ, निकल जाओ यहाँ से, वापस मत आना। मुझे हराना इतना आसान काम नहीं, अब काम पे लगता हूँ। अरे मेरा खाना कब तैयार होगा भाई? आ रहा हूँ। शुक्रिया। मैं
मैं थक गया हूँ, मुझे सहायक की जरूरत है, तब तो मैं और ज्यादा कबाब बेच पाऊंगा। अब हम क्या करें? मैंने अभी अभी सुना कि लक्का ये कह रहा था कि उसे अपनी दुकान के लिए एक मददगार चाहिए। ये तो बुरा है, वो बहुत गलत कर रहा है, अब वो दूसरा को ढूंढ रहा है ऐसा करने के लिए। समझ गया। ए लक्का, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? लक्का तुम इतने बिजी रहते हो, क्या हम तुम्हारी मदद करें? कोई भी हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। पर तुम लोगों को तो बारबेक्यू पसंद नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। ए रुको, मैं लक्का हूँ, मैं तुम्हारा बेटा बोलूंगा। आप क्या लेना पसंद करेंगे? इसकी स्पेशलिटी है ग्रिल फिश विद लेमन सॉस, इसका स्वाद आप नहीं भूल सकते। वाह, छोड़ो भाई, पहले तो तुमने मेरा काम खराब किया, आप मेरे साथ काम करना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे कबाब की खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे थोड़ा दोगे? वैसे अच्छा ही बनाता हूँ। हमको तनख्वाह नहीं चाहिए, बस खाना चाहिए। तुम दोनों पर भरोसा कैसे करूँ? पर मुझे सहायक की जरूरत है। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, एक गलती और तुम बाहर। ठीक है बॉस। तुमने मुझे बॉस बुलाया। ये कितना टाइट है। ठीक है, इस तरफ सर, तो मैं आपके लिए क्या लाऊं? डब्लू आओ। भाई अब हमें क्या करना चाहिए? चलो काम पर लग जाओ। मुझे उन्हें बारबेक्यू से दूर रखना होगा और सब कुछ सही रहेगा, वो दोनों बेवकूफ हैं। अरे ये मिलेगा क्या? जरा सोचने दो, शायद हमें। क्या ये सही है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम इधर देख भी नहीं रहे हो। फालतू होटल है ये। मेरा ड्रिंक, कह रहा था कि मेरा ड्रिंक। ये तुमने क्या किया? टोडो टोडो, क्या बात कर रहे हो? ये 1500 की है। चलो ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है। तैयार है? सब लोग कहाँ गए? तुम्हें ये सब ठीक करना होगा, तुम्हें सबको वापस लाने के लिए शो करना होगा। लक्का के बाबी के शुक्रिया शो में आपका स्वागत है, अब इन दोनों के नाच का मजा लीजिए, और मत भूलना कबाब पर 10% की छूट है। आइए और लीजिए बिल्कुल गर्मा गर्म। तो सर बताइए आपको कितना चाहिए? अच्छा मुझे ये चाहिए, मुझे भी दो। ठीक है भाई, मुझे शर्म आ रही है, लोग देख रहे हैं। डब्लू क्या तुम्हें सुनाई दिया? जोर से गाओ ताकि फॉरेस्ट पुलिस हमें सुन ले, फिर हम लक्का को रोक सकते हैं। बढ़िया आइडिया है, चलो मजे करते हैं। ओए पुलिस है, जरा सुनिए, बंद करिए गाना, बंद करो। बिल्कुल ऐसे ही लगे। यहाँ से जाओ। अरे भाई चले जा रहे हो? अरे मैंने कुछ ऑर्डर दिया था। दुकान बंद है, मैंने बोला ना दुकान बंद है। ऑफिसर, मैं जैसा आप देख रहे हैं वैसा नहीं है। लक्का का बारबेक्यू बिजनेस खत्म हुआ। ओ अरे वाह, हवा फिर से ताजी हो गई है। जंगल सुंदर दिख रहा है। जंगल में खाना पकाना सख्त मना है, इसे आग लग सकती है और धुआं भी फैलता है, हमारे सारे सामान जब्त किए जाते हैं। दोबारा ऐसा मत करना। उस सामान की कीमत मेरे 2 महीने कमाई थी, मैं ये नहीं ले सकता, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे यार, मुझे बस एक टूर गाइड बनकर ही रहना चाहिए।
Wow, 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 wow.